सुरक्षा की दृष्टि से आयुध निर्माणी अंबाजरी ने लगाया बाहरी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश बंदी। आयुध निर्माणी अंबाजरी परिसर बाजार गैस बैंक विवाह समारोह आदि व्यवहार हेतु आने जाने की सुविधा को अचानक आयुध निर्माणी अंबाजरी के प्रशासन द्वारा सुरक्षा का कारण दर्शाकर प्रवेश बंदी से संभ्रम व चिंता निर्माण हुई दिखाई दे रही है। त्रस्त नागरिक व सामाजिक राजनीतिक नेताओं ने पत्रकारों को स्थिति बताई कि सुरक्षा का कारण दर्शाकर आयुध प्रशासन व सुरक्षा विभाग ने डिफेंस कर्मचारी व परिजन तथा अधिकृत पास धारक को छोड़कर अन्य नागरिकों को डिफेंस परिसर में प्रवेश बंद की कार्यवाही शुरू की है। उनके अनुसार गत वर्ष भी प्रशासन ने इसी प्रकार का निर्णय लिया था, परंतु भारी विरोध के चलते इस निर्णय को स्थगित करना पड़ा था। शिवसेना के नागपुर तहसील प्रमुख संजय अनासनी ने चर्चा में बताया कि डिफेंस परिसर में बाजार स्कूल और बैंक है, जहां डिफेंस परिसर के बाहरी वाड़ी आठवां मेल के नागरिक सेवानिवृत्ति कर्मचारी भी ग्राहक सुविधा ले रहे हैं। गैस की दो एजेंसियों का वितरण हेतु प्रतिदिन ग्राहक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। दो बैंक में भी बाहरी खातेदार सेवा प्राप्त करते हैं। दो समाज सदन गृह में पारिवारिक सम्मेलन में स्थानीय परिसर के अलावा वाड़ी नागपुर के परिचित और रिश्तेदार आते हैं। ऐसे में प्रशासन ने विकल्प दिए बिना ही इस प्रकार की कार्यवाही अनुचित व अन्यायकारक प्रतीत होती है। रविवार को साप्ताहिक बाजार के दिन अचानक बंदी से बड़ी संख्या में नागरिक दत्तवाड़ी गेट के समक्ष एकत्रित अचानक हुए थे, इस निर्णय का विरोध करने लगे। संजय अनासनी ने सुरक्षा विभाग के कर्नल से इस संदर्भ में चर्चा की, परंतु सुरक्षा का कारण देकर असमर्थता व्यक्त की। इसी दरमियान दत्तवाड़ी के एक समारोह में उपस्थित सांसद कृपाल तुमाने व विधायक समीर मेघी को घटना की सूचना मिलते ही वे डिफेंस दत्तवाड़ी प्रवेश द्वार पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सांसद कृपाल तुमाने ने यहां से डिफेंस के वरिष्ठ महाप्रबंधक से फोन पर संपर्क कर 40 वर्ष से चलती आ रही इस सुविधा पर अचानक पाबंदी व नागरिकों को हो रहे असुविधा से अवगत कराया। चर्चा दरमियान महाप्रबंधक ने राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। अनुमान है कि 15 फरवरी तक प्रायोगिक रूप में यह कार्यवाही जारी रहने की संभावना है। इस संदर्भ में वाड़ी पत्रकार संघ ने भी आयुध प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने भी ऊपरी आदेश के कारण यह कार्यवाही जारी किए जाने की प्रतिक्रिया दी, परंतु बैंक व्यवहार गैस वितरण पारिवारिक समारोह में नागरिक ग्राहक कैसे जा सकेंगे इस प्रश्न पर वह कोई सुविधाजनक जवाब नहीं दे पाए है। शिवसेना ने बताया कि 4 से 5 दिन इंतजार पश्चात वे आयुध प्रशासन ने गैस बैंक आदि सुविधा वाड़ी परिसर में ग्राहक हित में स्थानांतरण करेंगे। सामान्य जनता बाजार परिसर के आगे जाती नहीं है। प्रशासन फैक्ट्री की ओर जाने वाले पोस्ट ऑफिस परिसर में सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करे तथा डिफेंस दत्तवाड़ी प्रवेश द्वार पर ही पहचान पत्र दिखाकर भीतरी आवश्यक कार्य के लिए जाने वालों के लिए अस्थायी प्रवेश पास जारी करने की मांग भी उन्होंने की है। सुरक्षा विषय में राजनीति नहीं की जाएगी, पर प्रशासन निश्चित उपाय करे जिससे मध्यम मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था निश्चित हो। इनबीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।